सो आज ब्लॉग की शुरुआत होती है अपनी मुर्गी रानी के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मुर्गी रानी का मुर्गा काफी बड़ा हो चुका है। सो अब बारी है अपने मुर्गियों को खोलने की। तो हमने जैसे ही मुर्गियों खोला, आप देख सकते हो दोस्तों हमारी मुर्गी रानी दौड़ा दौड़ा के हमारी सारी मुर्गियों को मारने लगती है। उसके बाद मैं अपने मुर्गी को हैंड टेम कराने के लिए दोस्तों अपने रोटी हाथ पर रखता हूँ और आप देख सकते हैं हमारी मुर्गी रानी मुर्गा कैसे खाता है। सो अब बारी है अपने कबूतरों को हैंड टेम कराने के लिए। तो दोस्तों हमने अपने कबूतरों के लिए भी अपने रोटी मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं हमारी एक सुंदरी बार बार कबूतर आती है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा हैंड टेम हो चुकी है, आकर खाने लगती है। उसके बाद दोस्तों हमारे ये लंगड़ा कबूतर भी आने लगता है और आप देख सकते हो दोस्तों ये कैसे ऊपर बैठने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब। दोस्तों ये ना बैठ पाता है। फिर मैं अपने सारे कबूतर को दाना डाल देता हूँ। मैं आज जैसे ही अपने एक्वेरियम के पास आता हूँ, देखता हूँ दोस्तों हमारे एक शार्क उल्टा पलटा हुआ है। मैं देखता हूँ क्या हो चुका है। उतना ही मैं देखता हूँ दोस्तों हमारा बड़ा वाला मछली बहुत खतरनाक टाइप का अटैक करता है और ये दोस्तों अभी जिंदा है, वो तैरने की कोशिश कर रहा था। मैं दोस्तों हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इंजर्ड हो गया। वीडियो लॉन्ग हो रही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों मैं अपने शार्क की अपडेट देता हूँ।